इसलिए जी पुलिस को दो चार कंप्लेने की थी हमने प्रिंसिपल दफ्तर च बैठे है और कुछ नहीं कर सकते गे अपनी कार्रवाई करेंगे बहुत ज्यादा ही बहुत बुरा हाल है मैडम पुलिस कोई करदी नहीं एक्शन नहीं लेंदी पुलिस कोई एक्शन नहीं लेंदी यहां बहुत ज्यादा मडीर खड़ती है और लड़कियों को तंग करती है मोगा के मेन बाजार विच कुड़िया के स्कूल के बाहर आवारा मुंडिया द्वारा विद्यार्थियों तंग परेशान करने के मामले दिनों दिन वधते जा रहे हैं जिस तो बाद दुखी हुए कुड़िया के मापिया ने स्कूल के बाहर वड्डी गिणती विच इकट्ठ किया मापिया का कहना है कि वह पुलिस को इस दे बारे पहले कई बार लिख चुके हैं पर एक दो दिन सुरक्षा प्रदान करने तो बाद फिर पहला वाला हाल हो जाता है दुखी हुए मापिया ने अखीर डिप्टी कमिश्नर को फरियाद करने की गल आखी है देखो यह वीडियो रिपोर्ट इसलिए जी पुलिस को दो चार कंप्लेने की थी हमने कि यहाँ बहुत ज़्यादा मडीर खड़ती है और लड़कियों को तंग करती है बस स्टैंड तो लग के स्कूल तक उधरों मतलब के भी पुराने मोगे तो लग के इतों तक प्रशासन कुछ नहीं कर रहा जे प्रशासन नहीं कुछ करेगा तो असं MLA को जावे MLA तो उपर DC तक जावे इतने सारा यही है कि मडीर बहुत तंग करती गई है रस्ते आने जाने के टाइम तो कुड़ियों बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता वो इस करके है भी असं पहला प्रिंसीपल साहब भी मिले थे उन्होंने बकायदा इस गल बारे जानकारी किया गया वो कहें असी खुद असी कंप्लेट पुलिस को बहुत बार दे चुके हैं कि भी इतने कोई मुहैया कराए जा अपने पुलिस के एक दो दिन उन्होंने ड्यूटी लगती है उस तो बाद फिर यही हाल सेम ही हो जाता है मैडम पुलिस कोई करदी नहीं एक्शन नहीं लेंदी पुलिस कोई एक्शन नहीं लेंदी ठीक है अपन फिर DC साहब से पेश होना पैना SSP साहब से DC साहब से अभी जो एक कंप्लेंट मिली है कि जो सरकारी स्कूल के बाहर लड़के खड़े होके वो छेड़खानी करते हैं ये टीजिंग करते हैं तो मैं अभी डायरेक्शंस दे देता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट को वहाँ पे स्थायी तौर पे मतलब पुलिस की तैनाती भी होगी और जो शरारत करते हैं ये लोग तो उनको सबक भी सिखाया जाएगा।